नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक विशेष पर्व के बारे में चर्चा करेंगे, जो है श्री राधाष्टमी। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो श्री राधा जी के प्राकट्य का दिन है। आइए जानते हैं राधा जी के जन्म और उनके महत्व के बारे में। श्री राधा जी का जन्म वृषभानुपुरी, जिसे हम बरसाना कहते हैं, में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार राधा जी वृषभानु के यज्ञ भूमि से प्रकट हुई। यह स्थान आज भी भक्तों के लिए पवित्र और प्रेम का केंद्र है। 2024 में राधाष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से 1:32 तक है। इस समय पूजा करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा जी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है, जो श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली हैं। इसीलिए श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन साधन करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। राधाष्टमी का पर्व इस्कॉन वृंदावन में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तजन मंदिरों को सुंदरता से सजाते हैं और राधा जी की विशेष पूजा करते हैं। इस दिन राधा जी के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को दर्शाने का एक अद्भुत अवसर होता है। इस दिन भक्तजन राधा जी को मालपुआ और रबड़ी जैसे प्रिय भोग अर्पित करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि राधा जी को मालपुए बहुत पसंद हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा द्वारा बनाए गए मालपुए का भोग लगता था। कहा जाता है एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे प्रभो, श्री राधा जी कौन हैं? सदाशिव ने कहा, राधा जी का रूप और गुण ऐसे हैं कि उन्हें वर्णन करना भी मुश्किल है। वे तीनों लोकों में अद्वितीय हैं। यह राधा जी की महानता को दर्शाता है। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस पूजन हेतु मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजन स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरणादि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्नों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं, उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरिचर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। तो दोस्तों, इस राधाष्टमी पर हमें चाहिए कि हम श्री राधा जी की पूजा करें और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करें। इस दिन का व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा सदा हमारे साथ रहे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। श्री राधा रानी की कृपा सदा बनी रहे।